गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज है संडे और संडे होने की वजह से मैं भी थोड़ा लेट उठी हूँ। हमारे यहाँ लॉकडाउन भी चल रहा है और होता है ना कि किसी को कहीं नहीं जाना है तो किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होती है, तो ऐसा ही है। और अभी मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ ग्रीन टी, काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। वैसे तो मुझे इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि ग्रीन टी पीना चाहिए दिन में 2 बार, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा ही होता है ये। और आज मेरे किचन में सही से लाइट नहीं है, क्योंकि एक लाइट ख़राब हो चुकी है। जब राहुल आएंगे तभी उसको ठीक करेंगे, तब लाइट सही आएगी। जैसा कि आज संडे है और संडे के दिन मैं वीकली जो क्लीनिंग होती है वो करती हूँ। वैसे तो हम रोज़ ही घर की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार थोड़ा अच्छे से घर की साफ़ सफाई करते हैं। और बस वही आज मुझे करना है, कपड़े धोने हैं, वो बहुत सारे काम होते हैं ना, वो सारे आज काम मुझे निपटाने हैं। और आप लोगों ने हरेली व्लॉग में मेरा आंगन तो देखा ही है, तो वहाँ तक मुझे साफ़ करना होता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बच्चे अभी नहा रहे हैं और फिर मुझे भी नहा के ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं किचन में बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। ये जल्दी बन भी जाता है और मेरे घर में बच्चों को पसंद भी है। इसके लिए आलू उबाल चुकी हूँ और अभी से मैश कर लेती हूँ मैं। और इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा सा अजवाइन इसमें मिला देती हूँ। और अगर इसमें थोड़ा सरसों तेल डाला जाए तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, तो इसमें मैं वो भी ऐड कर लूँगी। और सब लोग इसमें अपने स्वाद के अनुसार मसाले ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसे बनाती हूँ। जितने मसाले मैं इसमें ऐड की हूँ उसको बहुत अच्छे से मैं आलू में मिला लेती हूँ, ताकि एक दूसरे में बिल्कुल से मिल जाए और इसका स्वाद अच्छा आए। ये पराठा थोड़ा सा खाने में हेवी होता है, तो अगर मैं लंच थोड़ा देर से बनाऊँगी तो भी चल जाएगा। और अभी मैं पराठे बना लेती हूँ। तो मैं इस तरह से जो बना रही हूँ पराठे वो दीसा के लिए है, क्योंकि दीसा को चाहिए कि रोटी में सारे तरफ जो स्टफिंग हम आलू का जो बनाए हैं ना, वो सभी साइड उसको होना चाहिए। अगर कहीं पर उसको नहीं मिलता तो फिर उसको ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं इस तरह से उसके लिए बनाती हूँ। और फिर इसके बाद मैं जो बाकी पराठे हैं उसको नॉर्मल ही बना लेती हूँ, गोल जो बनाते हैं हम बीच में आलू भर के, वैसे ही बना लूँगी। इसके बाद मैं बच्चों को गरम गरम ही नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि ये जो ठंडा हो जाता है ना फिर ये अच्छा नहीं लगता है। इसे अगर हम गरम ही खाएं तो ही बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए जैसे जैसे ये बनता जाएगा मैं बच्चों को देती जाऊँगी। ऐसा लगता है कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, सबकी ज़िंदगी नॉर्मल कब हो पाएगी, ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे जो एरिया है, हमारा जो एरिया है वो पूरा ऐसे सन्नाटा रहता है वहाँ, तो पता नहीं कब ऐसी लाइफ हमारी नॉर्मल होगी या सब कुछ सही हो पाएगा, ऐसा लगता है। कोई नहीं, इसी बहाने सब लोग साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, खुद को बहुत ही अच्छे से रखने लगे हैं, हाइजीनिक मेंटेन करने लगे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम सबके लिए बहुत अच्छी सीख भी है। और ये मुझे लगता है ये आगे हमेशा के लिए रहेगा। और यहाँ पर तो बच्चे नाश्ता कर चुके हैं तो मैं राहुल को दे देती हूँ और मैं खुद भी नाश्ता करने लगती हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि हम साथ मिलकर नाश्ता कर पाते हैं, क्योंकि राहुल को सुबह ही जाना होता है और फिर मैं थोड़ा लेट से नाश्ता करती हूँ। राहुल एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं,
लेकिन हाँ, हम डिनर हमेशा साथ में ही करते हैं चारों। वो कहते हैं ना कि एक टाइम का खाना हमेशा फैमिली के साथ खाना चाहिए, तो वो हम करते ही हैं। और सप्ताह में एक दिन मैं दिशा के बालों में खुद तेल लगाती हूँ, बाकी समय तो वो खुद ही लगाती है, लेकिन शनिवार की रात या संडे मैं ही लगाती हूँ। और दिशा अभी BCom फाइनल ईयर में थी, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। बस वही, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लॉकडाउन की वजह से ये रह गया उसका। और अभी भी एग्ज़ाम का कुछ निश्चित नहीं है, होगा नहीं होगा क्या पता। बस ऐसा लगता है कि फाइनल ईयर है तो एग्ज़ाम हो जाता, बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता ये। और मेरा बेटा जतिन जो है अभी 12th क्लास में जाएगा, लेकिन उसकी भी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, और बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार। पता नहीं उसका भी क्या होगा, मतलब पढ़ाई तो इस साल इस सत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता कैसा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम है, 12th है, तो पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए थी। देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद मैं जो नाश्ते के बर्तन थे वो सब मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर वो रह जाता है तो फिर किचन भी अच्छा नहीं लगता और खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जितने बर्तन निकलते जाते हैं मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, तो किचन बहुत अच्छा लगता है। और बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।